हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज का सेशन हम लोगों का जो है कैसलेट्स पे बेस्ड है। देखो, कैसलेट्स जो है ना वो किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो एकदम एक कैसलेट फिक्स है वो आना किसी भी मेंस एग्जामिनेशन, चाहे एसबीआई पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ क्लर्क हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है ये प्रीलिम्स वगैरह में भी कुछ आसान सा कैसलेट्स दे देता है, तो चीज़ों को ध्यान में रखो कि इसकी भी एक अपनी जगह है और इसकी भी प्रैक्टिस करना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक नया कैसलेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि रोज आप लोगों के लिए एक ना एक कैसलेट लेके आऊँ मैं, ठीक है। तो बने रहना है हमारे साथ, बनाए रखना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले उस कैसलेट का पीडीएफ अटैच है, आप जाओ पहले उस पीडीएफ को बना लो, उसके बाद फिर आप वीडियो देखने के लिए आना, ठीक है। तो जो लोग और डायरेक्ट जो लोगों को ये पीडीएफ मिल गया, जो लोगों ने डायरेक्ट देख रहे हैं पीडीएफ, वो पीडीएफ डायरेक्ट मत देखो, कोई खास बेनिफिट तुम्हें नहीं करेगा। तुम्हें ये चीज़ें जो है पहले सॉल्व करनी होगी खुद से, उसके बाद फिर तुम जाके जो है इसको इसका वीडियो देखोगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लेना है, फिर वीडियो को देखना है, और हम लोग बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो देखने के बाद लाइक दबा के जरूर जाना है, ठीक है। लाइक में कमी नहीं रखना है, चीज़ें जो है अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर बना के जाना है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रखा है। बोल रहा है देयर आर टोटल 200 ट्रीज ऑफ मैंगो, बनाना एंड गुआवा प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट गार्डन ए बी सी। 200 ट्री हैं मैंगो, बनाना और ग्वाभा के, 3 गार्डन में हैं, गार्डन ए, गार्डन बी एंड गार्डन सी, ठीक है। इन गार्डन ए 50% 20% एंड 30% ट्रीज ऑफ मैंगोज बनानास एंड ग्वावास, मैंगोज बनानास एंड ग्वावास रेस्पेक्टिवली, ठीक है। गार्डन ए में जो है 50%, 20% और 30% किसका ट्री है, मैंगो, बनाना और गावा का, आगे दिए हुए है आउट ऑफ 30% ऑफ टोटल ट्री, 30% टोटल ट्री का, ठीक है। तो गार्डन ए में जो हम लोगों के लिए हो गया, गार्डन ए में जो हम लोगों को स्टेटमेंट में बताया वो क्या बताया कि टोटल का 30% उसमें आउट ऑफ 30% ऑफ टोटल ट्री, ठीक है। तो टोटल हमारा 200 है और 200 का जब हम लोग 30% निकालेंगे तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, 60 दे देगा। अब इसमें हम लोगों का मैंगो बनाना एंड ग्वाभा की चर्चा है, ठीक है। ऑर्डर को खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, कैसलेट का सबसे बड़ा चीज, कैसलेट होता कुछ नहीं है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन गार्डन ए, ठीक है, 50% 20% एंड 30% 50%, जब 60 का 50% निकालोगे तो 30 हो जाएगा, 60 का जब तुम 20% निकालोगे तो ये 12 हो जाएगा, और 60 का जब तुम 30% निकालोगे तो ये तुम्हारा 18 हो जाएगा। यानी क्वांटिटी हम लोगों को पता चल गई कि इतने ट्रीज थे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज बोलो या क्वांटिटी बोलो, जो बोल लो, यहां से बात क्या है, ये जो हमारा है ये नंबर ऑफ क्या है बता रहा है, हमारा नंबर ऑफ ट्रीज को बता रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज जब बता दिया तो अब इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद देखो, इसके बाद बोल रहा है ईच मैंगो ट्री कंटेंट 1200 केजी ऑफ मैंगो, हर एक मैंगो ट्री में जो है 1200 केजी क्या है, मैंगो है, ठीक है। हर एक में कितना दे रखा है, 1200 केजी क्या दे रखे हैं, मैंगो ट्री दे रखे, मैंगोज हैं, ठीक है। फिर ईच बनाना ट्रीज है 60 dozen, ठीक है, हर एक बनाना ट्री के पास 60 है। तो यहां से अगर हम बोलें कि टोटल मेरे पास कितना किलो मैंगो है, एक ट्री में 1200 किलो, टोटल 30 की ट्री है, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 36,000 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें अगर बोलो कितना डजन, तो 6 × 720 हो जाएगा हमारा, 720 dozen, ठीक है। फिर यहां से आ जाओ, इसके बारे में क्या दे रखा है, इसके ग्वाभा के बारे में बोल रखा है कि इसके पास 400 केजी क्या है, ग्वाभा है। तो 400 केजी जब ग्वाभा है इसके पास, तो 400 केजी क्या हो जाएगा, 18 × 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7200 केजी, ठीक है। ए का कहानी जो है हम लोगों का इस तरीके से निकल के आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आगे बोल रहा है इन गार्डन बी ईच ग्वाभा ट्री कंटेन 540 केजी। अब आ जाते हैं हम लोग गार्डन बी में, गार्डन ए का कहानी जो है यहां से खत्म हो गया, ठीक है।
बी के बारे में बोल रहा है। बी में टोटल कितना है सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, तो टोटल देख लेते हैं, आगे कहीं ना कहीं चर्चा किए हुए होगा। टोटल से पहले हम लोगों को दे दिया है वेट, तो हम लोग यहां पे जैसे चार्ट बना रहे हैं उसी चार्ट के अकॉर्डिंग उसका वेट लिख लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ ट्रीज को बताया था और यहां पे हम लोगों ने उसका क्या लिखा था, वेट, और उसके बाद फाइनली जो है हम लोगों का टोटल डजन है कि क्या है ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोल रखा है, इसके बाद बोल रहा है कि ईच गुआवा ट्री हैड 540 है। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर हर एक गुआवा ट्री के पास क्या है 540 केजी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच ट्री कंटेन 1500 केजी मैंगो, ईच ट्री में क्या है हमारा 1500 केजी मैंगो है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच बनाना ट्री कंटेंट 45 डजन, ईच बनाना ट्री में कितना डजन है 45 डजन है, ठीक है 45 डजन हो गया। अब क्या बोल रखा है, ट्रीज ऑफ मैंगो गुआवा एंड बनाना आर 4:2:3 में, ठीक है। मैंगो मैं यहां पे थोड़ा रफ कर ले रहा हूं, मैंगो बनाना और गुआवा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लो, ऑर्डर थोड़ा सा बदला हुआ है यहां पे, यहां पे ऑर्डर क्या है हमारा, मैंगो गुआवा एंड बनाना इनका रेशियो है 4:2:3 आउट ऑफ 36% ऑफ टोटल। तो 200 का जब हम लोग 36% निकालेंगे तो ये शायद हम लोगों को कितना देगा, 72 देगा, ठीक है। टोटल 72 है, 42 हमारा 6639, 9 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 4 32, ठीक है। 82 जो हमारा गुआवा में क्या चल जाएंगे, 82 जो हमारा 16 और 83 जो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहां से क्वांटिटी निकल गया, इस वाले पार्ट का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको इरेज कर लिया तो यहां से हम लोग को देखो क्या दे रखा है, इसके बाद क्या बोल रखा था सवाल में हम लोगों को, जब यहां से ये मालूम हो गया तो हम लोग क्या करते थे, टोटल वजन पे आते थे, 1500 गुने में 32 करेंगे। तो देखो 1500 32 गुने 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 और 32 तो खुद से 32 है ही, तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा 48000, ठीक है 48 हो गया। अब 24 × 45 कर लो, 45 टू टाइम्स जब करोगे तो 900 देगा और 45 फोर टाइम्स करोगे तो 100 कितना देगा 80, 900 180 कितना दे दिया 1080 और यहां से ये डजन में ये हमारा केजी में 540 × 16 करो। यहां से देखो 16 × 0 = 16 केजी में है ये हम लोग का, 16 × 4 = 64 का 4 6 साथ में 16 × 5 = 80 एंड 6 कितना हो जाएगा 86। यहां तक हम लोगों का ये निकल के आ गया, ए बी और सी का निकल के आ गया, ठीक है। ए बी जी सी जैसे ए बी जैसे ही निकल के आ गया, अब हम लोग सी निकालने जाएंगे। टोटल हमारा 60 यहां से हो गया, 72 यहां से हो गया, तो 200 में हम लोगों को बचा कितना, 60 प्लस में 72 घटाना, 60 + 72 132 होता है, और 200 में जब हम लोग घटा देंगे तो ये कितना दे देगा हम लोगों को, 200 में घटाने के बाद ये हम लोगों को दे देगा 68, ठीक है। 68 जब निकल गया तो मैंगो बनाना एंड गुआवा, ठीक है, सेम उसी तरीके से दो कॉलम हम लोग और बनाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग को बोल रखा है सी में, द बनाना इन गार्डन सी बनाना मैंगो एंड गुआवा ट्री आर डिवाइडेड इनटू 764। तो हम लोग यहीं से क्वांटिटी नंबर ऑफ ट्रीज का रेशियो, फिर से ऑर्डर उल्टा हुआ है, तो यहाँ से बनाना पहले है, मैंगो है और क्या है हमारा गुआवा है, किस रेशियो में है 7:6:4 में है, ठीक है। 6 × 4 = 10 / 17 का मान 68 के बराबर, तो साफ साफ दिख रहा है 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 निकल के आ गई, तो बनाना में 7 × 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, मैंगो में 6 × 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, और 4 × 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। यहां से ये चीज निकल गया जब हम लोग का नंबर ऑफ ट्रीज में, तो हम लोग को इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये कहानी हम लोग का यहां से क्लियर हो गया। अब जब ये कहानी हम लोग की क्लियर हो गई तो इसके बाद हम लोग का क्या है, ये देखो इसके बाद बोल रहा है ईच मैंगो ट्री कंटेन 1250 केजी, 1250 केजी, ठीक है। सबसे पहले यहां से आ जाओ 1250 केजी में, तो ये मालूम होना चाहिए 125 से अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10000 के रेस्पेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यहां देखो 8 × 3 दिख रहा है, 125 से 10000 के रेस्पेक्ट में चला जाएगा, तो बचा क्या 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब
तो ये तुम्हें यहाँ से निकाल के दे देगा 30,000 केजी, और ये हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है, 30,000 केजी निकल गया। अब इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद बोल रखा था तुम्हारा सवाल में कि मैंगो हो गया तुम्हारा, ईच गुआवा ट्री कंटेन 60 केजी लेस गुआवा देन ईच ट्री इन गार्डन बी। गार्डन बी में जितना गुआवा ईच ट्री में कंटेंट करता था, इससे 60 केजी कम, तो इससे 60 केजी जब हम लोग कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा हम लोग, ठीक है, मतलब हर एक ट्री में इतना गुआवा है। जब 480 हम लोगों का हो गया तो अब यहाँ से बनाना का एक बच रहा है, बनाना का देख लो क्या रखा है, बनाना में बोल रखा है 50 डजन, तो 50 डजन कर दो, 28 × 5 करोगे तो 140 होता है, 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, 1400 तुम्हारा डजन यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आ जाओ 16 × 0 करोगे तो 16 0, यानी कि 16 × 8 करोगे तो 128 का 8 हमारा 12 हाथ में है, 16 × 4 = 64 और 12 करोगे तो 7680 केजी यहाँ से निकल के आ गया। और इसी तरीके से हम लोग का ये चार्ट जो है प्रिपेयर होके चला गया, ठीक है। जब ये चार्ट प्रिपेयर होके चला गया तो इसी पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेगा, और क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हुए हैं इसको भी देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, पहला देखो क्या बोल रखा है, इफ वन डजन बनाना इज इक्वल टू 2 kg बनाना, ठीक है, एक दर्जन बनाना में 2 kg क्या होते हैं, बनाना होते हैं। मतलब क्या बोला, वन डजन इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है, वन डजन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 kg होता है। इसके बाद बोल रखा है हमसे सवाल में, देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ बनाना इन ऑल गार्डन टुगेदर, सभी गार्डन मिला के कितना होता है बनाना इन टर्म्स ऑफ केजी, ये बताना है आपको। तो सभी मिला के डजन में कितना आता है ये देख लो, सभी मिला के यहां से 720, यहां से 1080, ठीक है, जब तुम ऐड करोगे यहां से तो 2080 800 1800 तुम्हें यहीं से मिल गया, 1800 और यहां से 1400 जब तुम ऐड कर दोगे तो 18 और 14 28 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 32, यानी कि तुम्हें 3200 डजन का वैल्यू बताना है। जब एक डजन 2 kg है तो 3200 डजन कितना होगा, जस्ट इसका डबल, यानी कि 6400 kg, और यही हमारे पहले सवाल का आंसर है, 6400 kg और आंसर, ठीक है। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल में क्या बोल रखा है, सेकंड में बोल रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, किसमें किसमें डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है ये देखो, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ मैंगोज इन गार्डन बी एंड गार्डन ए, गार्डन बी और गार्डन ए का कॉस्ट में मैंगोज का, ये और ये, ठीक है। देखो जब भी बड़े बड़े अमाउंट्स में तुम्हें निकालने के लिए बोले ना, तो वहां पे एक चीज ध्यान में क्या रखो कि अगर तुम कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लेके कर लो, क्योंकि बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को कॉमन ले लेंगे और चीजों को आसान बना लेंगे, क्योंकि लेस कैलकुलेशन में हम लोग कैसे कर लेंगे। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन लिखने के बाद कॉमन जो है ना लिखना नहीं है, मैं तो यहां लिख के तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में या जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो मॉक वगैरह का या सब सीट वगैरह का, तो उस टाइम में तुम्हें वो लिखना नहीं है, लिटरली तुम्हें वो क्या करना है, सीधा सीधी वहां पे इंप्लीमेंट करा के देखना है कि वो वहां पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो चीजों को डायरेक्ट कैसे सोचना है और कहां पे स्ट्राइक कराना है अपने दिमाग को, ये चीज को देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज ना, कैलकुलेशन जो होता है ना, यही तुम्हारे की टू सक्सेस होता है मैथ्स में, ठीक है, इसी तरीके से तुम कमांड पा सकते हो। देखो क्या बोल रखा है, इसके और इसके कॉस्ट में अंतर बताने के लिए, तो कॉस्ट देना होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट दे भी रखा है, इफ कॉस्ट ऑफ गार्डन ए मैंगोज इज 50 और 45, ठीक है, ये जो है ये है तुम्हारा 50 rupees पर केजी का, और ये जो है तुम्हारा ये है 45 rupees पर केजी का, ठीक है। अब तुम यहां से देखो तुम क्या करोगे, 36 × 50 चलो आसानी से कर लोगे, 48 × 45 तुम नहीं कर सकते हो। तुम सबसे पहले देखो दोनों में 1000 कॉमन आ रहा है, तो 1000 हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। 48 और 36 में क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, 12 कॉमन आ रहा है, तो इससे भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 5, और यहां से भी 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इतना सारा चीज हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब इतना सारा चीज हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमें ये भी ध्यान में रखना कि बचेगा क्या हमारा, ठीक है। देखो एक्चुअली में तुम्हारा इक्वेशन क्या है, ये मैं तुम्हें भी डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं तुम्हें इक्वेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमारा बचेगा क्या है, यहां पे हम लोग का बच रहा है कितना, 6, ठीक है, और जब 5 कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा कितना, 10, ठीक है। तो 6 × जब 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60, ठीक है। यहां से देखो 12 × जब कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचा, सॉरी यहां पे बचा हमारा 3, ठीक है। 3 जब बचा तो 3 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30, ठीक है। यहां जो है 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48, यानी 4 हो गया यहां से हमारा, और यहां से जब 5 ले लिया तो यहां पे कितना बचा हमारा, 9 बच गया।
चार यहां से और नौ यहां से, नौ गुने चार कितना हो जाएगा 36, यहां पे 36 कर दो। क्योंकि मैंने ए में बी को घटा दिया है तो यहां से तुम्हारा माइनस में आ रहा है, इसी चीज को तुम चाहो तो या तो मॉड लगा लो या निगेटिव में कर दो, ये चीज में तुम एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अब यहां से तुम देखो कितना आसानी से तुम कर सकते हो, 12 गुने 5 60 और यहां से भी 6 आ गया, 6 गुने 6 कितना हो गया 36, 360 यहां से हो गया, 30 यहां से, 1 2 3 यहां से बैठा दो, आंसर आ गया तुम्हारा 360, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सवाल क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा इसमें देखो एक चीज क्या ध्यान में रखो कि हम लोगों को कॉमन कैसे लेना है। यहां पे देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या था, यहां पे 48,000 था, गुने में 45 था, माइनस में 36,000 था, गुने में 50 था। मुझे ना ज्यादा से ज्यादा कॉमन देखना है, यही मैंने ना दिमाग में वहां पे एक लाइन जो मैंने इसको स्किप किया था वही चीज को देखो। 1000 हम लोगों का यहाँ दोनों जगह से कॉमन आ गया, ठीक है, 48 और 36 12 का मल्टीपल है तो यहां से हम लोगों का 12 भी कॉमन आ गया, 45 एंड 55 का मल्टीपल है तो यहां से 5 भी कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, यहां पे बचा 4, यहां पे बचा 9, माइनस में यहां पे बचा 3, यहां पे बचा 10। देख लो यही 36 माइनस में 10, यही इक्वेशन मैंने अभी लिखा था, आगे हम लोग का सेम टू सेम वही इक्वेशन। तो इस चीजों को ध्यान में रखो, इस चीजों को डायरेक्ट करना है, ज्यादा इसमें लिख के नहीं करना, लिख के करोगे उससे अच्छा फिर गुना कर लो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो हम लोग का क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ गुआवा प्रेजेंट इन गार्डन बी एंड गार्डन सी। गार्डन बी और गार्डन बी में जो टोटल है हमारा ये गुआवा है उनके वजन का अंतर बताना है, ठीक है। तो गार्डन बी में हम लोग का गुआवा कितना है, गार्डन बी में हम लोग का गुआवा है 8640, ठीक है, और गार्डन सी में हम लोग का कितना है 7680, ठीक है, 7680। लेट से इसको 40 कम कर देते हैं, 40 कम करेंगे तो क्या होगा 8600 कितने का अंतर मिला 1000 का, 40 कम किया था तो वहां से क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। तुम इसको ऐसे भी घटा सकते हो, नहीं घटाना है तो नॉर्मली तुम यहां से घटा दो, साफ साफ तुम्हें दिखेगा 960 का अंतर है और यही तुम्हारे इस सवाल का आंसर है, कितना 960, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो हम लोग का क्या है, अगला हम लोग का बोल रखा है फोर्थ नंबर सवाल में, इफ इन ईच गार्डन नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ मैंगो डिक्रीज्ड बाई 10, 10 से डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ना डिक्रीज वैल्यू को ना जस्ट इसके पीछे लिख देते हैं या फिर हम लोग यहां से डिक्रीज कर देते हैं, पहले सवाल को देख लेते हैं सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है। हर एक मैंगोस को 10 से डिक्रीज कर दिया जाता है, नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ गुआवा इंक्रीज्ड बाई 5, ठीक है, 5 से गुआवा को बढ़ा दिया जाता है। देन द ट्रीज ऑफ मैंगो इन ऑल गार्डन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द ट्रीज ऑफ गुआवा, ठीक है, गुआवा के ट्रीज का कितना है। तो अभी जब बढ़ाना है और घटाना है इसके बाद का परसेंटेज दिखाना है, ठीक है, सवाल समझो कि हमें बढ़ाना है घटाना है उसके बाद का परसेंटेज दिखाना है। तो सबसे पहले बिना बढ़ाए कितना है ये देख लो, क्वांटिटी में मैंगो 30 है, 32 है और 24 है, ठीक है, 30 है मैंगो के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, 30 है, 32 गुआवा को छोड़ो पहले, 24 है। अब इसके बाद क्या बोला तुमको सवाल में कि मैंगोज 10 10 से तीनों में घट जाता है, तीनों में घटने का मतलब क्या 30 की कमी, यहां 30 जब कमी करोगे तो 30 30 खत्म हो गया, जोड़ के देखो तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि मैंगो कितना निकल के आ गया 56। चलो यहां से हम लोग मैंगो को बैठा देते हैं यहां पे 56। गुआवा के लिए देखो गुआवा का क्या कंडीशन है, गुआवा के लिए क्या बोला कि 5 5 बढ़ा देना है, ठीक है। तो गुआवा है कितना, सबसे पहले ये देख लो, 16 दूना 32, 32 और 18 जब तुम ऐड करोगे तो 32 और 18 40 10 50, ठीक है, ये पहले से 50 था, 5 5 बढ़ाएंगे तो 15 बढ़ाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 65 हो जाएगा। यही हमसे बोला है कि ये 56 जो है 65 का कितना परसेंट है ये निकालना है। अब यहां से देखो यहां पे जो मेन चीज है वो चीज को समझो, क्यों मैं बार बार तुम लोगों को फोकस करता हूं कि तुम लोग लास्ट तक सवालों को देखो, क्या पता उसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखा हो, ठीक है, यही सब रीजन है कि यहां पे देखो, यहां पे जब तुम देखोगे ना तो मेरे दिमाग में ये पूरा कैलकुलेट हो गया और मैंने ऑप्शन को टिक कर लिया, ठीक है। क्यों कैसे टिक कर लिया, यहां पे देखो जबकि ये परफेक्ट नंबर है नहीं, यहां पे जब तुम काटोगे तो मेरा मेन मोटिव क्या है, इन दोनों को एलिमिनेट, मोटिव मेरा ऊपर वाले को एलिमिनेट कर, ऊपर वाला पूरा पूरी खत्म हो जाए, ठीक है। तो जब हम लोग 13 से काटेंगे तो 13 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, क्योंकि 5 से ये हमारा कट रहा है तो इसलिए हम लोग 5 से इसको नहीं काटेंगे, 13 से इसको जब काटेंगे तो 13 चौक होता है हमारा 13 × 4 होता है 52, ठीक है, तो 52 तो ये होगा। और डेसिमल में जब हम लोग जाएंगे तो 52 के बाद 4 है, 40 जब लेके जाएंगे तो 40 मतलब क्या हो जाएगा 3 लेके जाएगा, मतलब 4.3 के वैल्यू में जाएगा, जाना नहीं है तुम्हें, ठीक है, बस यहां से समझना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये 4.3 के रिस्पेक्ट में जाएगा, कुछ मत करो, यहां से 5 से इसे काट दो 20 बार में, और 20 का यहां से तुम देखो यहां पे क्या
देगा, 20 गुने 4 कितना दे देगा तुम्हारा 80 दे देगा, ठीक है। 20 गुने 4 जब तुम्हारा 80 हो गया तो तुमसे अब आगे जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हें दो ऑप्शन वहां पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, 102, 92, 86, 81, 78। देखो अगर कोई 80 से वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये 4 को 5 में बदलना होगा, ठीक है। अगर 4 पॉइंट समथिंग है तो ये डेफिनेटली 80 to 90, 80 to 100 के बीच में ही है, ठीक है। अब 4.5 हम लोग टपेंगे तब हमारा 90 प्लस जाएगा, सब कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है, वहां पे तुम ध्यान रखना। 4 पॉइंट कितना है मैं नहीं मालूम, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो 81 तुरंत दे दे हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 4.05 जो होता है वो हम लोग का क्या देता है, 81 देता है। तो 4.05 तो जाएगा नहीं, अभी मैंने तुम्हें कहा 4.3 जाएगा, तो कौन सा हम लोग का एक ही बच रहा, अब हम लोग का कौन सा 86%, तो ये हम लोग को यहां से देगा x की वैल्यू 86% में अप्रोक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ना चीजों को ध्यान से समझना है कि इन सब टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपना बढ़ा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं कैलकुलेशन में बचाने का। जो लोग स्किप कर देते हैं सवाल उन लोगों के साथ ये दिक्कत होता है कि वो यहाँ पे इन सब चीजों को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल हम लोग का बहुत ही आसान है। क्या दे रखा है लास्ट सवाल में, देखो क्या बोल रखा है लास्ट सवाल में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ बनानास ऑफ गार्डन बी, गार्डन बी के बनानास का कॉस्ट। तो गार्डन बी में कितना बनाना है, टोटल 1080 दर्जन है हमारा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 35 रुपीज, तो मतलब 1080 गुने में हमको क्या करना है, 35 करना है, ठीक है। अलॉन्ग विथ किसके साथ निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ बनानास ऑफ सी, सी में कितना बनाना है हमारा 1400 है, ठीक है, तो सी में हम लोग कर देते हैं 1400 और गुने में कितना कर देते हैं 45। कोई रॉकेट साइंस इसमें मत लगाना, नॉमिनल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ से काट दो 35 × 70 और 70 × 140 यानी 4 बार में, 9 से काटो 5 बार में और 9 से काट दोगे इसे तुम, तो यहाँ 9 से कट जाएगा तुम्हारा 1 और 2 बार में, 4 से काट दो इसे 3 बार में, यानी कि जो रेशियो निकल के आया वो क्या रेशियो निकल के आया, 3:5 निकल के आया, और यही हमारे सवाल का फाइनल और लास्ट सवाल का आंसर है 3:5, ठीक है। तो क्वेश्चंस बायलिंगुअल अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लिए हो एक बार फिर से सॉल्व करने का कोशिश करो, चीज़ों को देखो बार बार रिपीट करो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके हमें बताएं, जरूर बताएं हम लोगों को कमेंट करके, और जाते जाते वीडियो अगर समझ में आया है, कुछ भी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं और अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वहाँ वीडियो लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू, बहुत जल्द हम लोग नई सीरीज को लेकर भी नई सीरीज को भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।